नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में कांग्रेस के कई विधायक नाराज, अब सोरेन सरकार के अंदर बढ़ रही है बेचैनी। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी से शुरू हुई राजनीति अब सोरेन सरकार के अंदर बेचैनी बढ़ा रही है। बाहर से भले ही कांग्रेस विधायकों की नाराजगी संगठन तक सीमित दिख रही हो, पर असल में ये कांग्रेस के रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो नाराज विधायकों को आलमगीर आलम के असियाने में जगह नहीं मिलती। राज्य में सत्ताधारी दल होने के बावजूद कांग्रेस विधायकों पर मुकदमा दर्ज होना कई तरह के संकेत देता है। हालांकि कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर खुद की सरकार पर हमला बोला है उसमें भी दम दिखता है। कांग्रेस की ओर से जो मांग की जा रही है उसमें राज्य में वोट निगम के पद का बंटवारा, सूचना आयोग और महिला आयोग के अध्यक्ष जैसे पद रिक्त, 20 सूत्री और निगरानी समिति का गठन, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को विधानसभा में कांग्रेस विधायक की मान्यता, कांग्रेस विधायकों पर लगातार हो रहे मुकदमों से नाराजगी, जिला स्तर पर अधिकारियों के द्वारा कांग्रेस नेताओं की अनदेखी, 12वें मंत्री पद पर कांग्रेस की दावेदारी प्रमुख है। ये झारखंड कांग्रेस की मांग है। झारखंड में अनुसूचित जिलों में 100% आरक्षण के नियम रद्द करने की फाइल राजभवन में हो रही है समीक्षा। रघुवर दास की सरकार में बनी नियोजन नीति रद्द होने के बाद अब झारखंड में अटकी हुई नौकरियों के दरवाजे फिर से खुल जाएंगे। हेमंत सरकार के 5 माह पूर्व के निर्णय के आलोक में कार्मिक विभाग ने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में से 2016 से लागू 100% आरक्षण के नियम को रद्द करने के लिए फाइल राजभवन भेज दी है। राजभवन में इसकी समीक्षा हो रही है। वहां से सहमति मिलते ही 2016 की नियोजन नीति को रद्द करने का संकल्प जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नई नियुक्ति के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकाले जा सकेंगे। खबर है झारखंड के रांची से। रांची में हरा राशन कार्ड बनाने के लिए लगेगा स्पेशल कैंप। झारखंड की महत्वाकांक्षी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रांची जिले में हरा राशन कार्ड के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी अंचल कार्यालयों में विशेष शिविर का आयोजन कर लाभुकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर लिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रखंड मुख्यालय में दिनांक 8 जुलाई और रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी अंचल कार्यालयों में 9 जुलाई को स्पेशल कैंप का आयोजन किया जाएगा। स्पेशल कैंप में लाभुकों से ऑनलाइन आवेदन लेने के साथ साथ जिन निर्गत राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है वैसे लाभुकों के आधार भी जमा कराते हुए लिंक और सत्यापन का कार्य कराया जाएगा। धोनी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता। सीएम हेमंत सोरेन बोले, माही झारखंड की शान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को अपना 40वां जन्मदिन मनाया। रांची में स्थित उनके निवास स्थान समेत पूरे झारखंड में माही के जन्मदिन को लेकर उत्साह रहा। हालांकि कोरोना के कारण इस मौके पर कोई समारोह नहीं किया गया। सुबह से ही प्रशंसकों, शुभचिंतकों और खेल जगत की हस्तियों समेत अन्य गणमान्य लोगों द्वारा माही को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि झारखंड सपूत और कैप्टन कूल के नाम से दुनिया भर में मशहूर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड सहित पूरे देश के लिए गौरव है। धोनी झारखंड की शान है, उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमेशा की तरह ईश्वर से आपकी लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 55 पॉजिटिव मरीज, 108 ठीक हुए। पूर्वी सिंहभूम में एक संक्रमित की मौत हो गई। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 555 पहुंच गई है। अब तक 3,45,983 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 3,40,257 मरीज ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर कहां मिले कितने मरीज आइए जानते हैं। बोकारो में 6, देवघर में 2, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 17, गुमला में 2, जामताड़ा में 5, कोडरमा में 3, लातेहार से 5, पलामू से 1, रामगढ़ से 3, रांची से 5 और साहिबगंज से 4 संक्रमित मिले हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार में बाबूलाल मारांडी को हराकर सदन पहुंची अन्नपूर्णा। बिहार में आपसी खिंचतान के बीच जातीय समीकरण साधने में मार गई बाजी। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल कर लिया गया है। पार्टी संगठन के बुलावे पर वे मंगलवार सुबह दिल्ली पहुंची थी। देर शाम पार्टी के उच्च स्तरीय बैठक से पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने उनसे बातचीत भी की। अन्नपूर्णा देवी को यादव कोटे से मंत्री बनाया गया है। उन्हें बिहार में जदयू और भाजपा की आपसी खिंचतान से उत्पन्न स्थिति का लाभ मिल गया।
आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले संसदीय चुनाव में राजद प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीतने के बाद पहले प्रदेश उपाध्यक्ष बनी। इसके बाद उन्हें भाजपा का राष्ट्र उपाध्यक्ष और हरियाणा का सह प्रभारी भी बनाया गया। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट की मंजूरी, 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड कैबिनेट ने प्रदेश में औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति प्रदान करने के साथ साथ आधा दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर काम करने वाले कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त मानदेय देने और लुप्त हो रही कलाओं को बचाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा पर केंद्र खोलने को लेकर तैयार नियमों को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनी औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति अप्रैल 2021 से मार्च 2026 के लिए प्रभावी होगी। आप सबको बता दूं कि पिछले नीति 31 मार्च को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाना अनिवार्य था। इसके लिए सरकार ने स्टेक होल्डर्स के साथ देश की राजधानी में बैठकर सुझाव भी प्राप्त किए। आप सबको बता दूं कि इस नीति से राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश और 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग में वाहन चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा, 10 अपराधी धराए, 4 वाहन बरामद। हजारीबाग जिला पुलिस ने वाहनों के अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है। चोरी के 3 स्कॉर्पियो तथा 1 सेंट्रो कार सहित गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 स्कॉर्पियो की चोरी हजारीबाग के पुलिस लाइन से फरवरी में की गई थी। एसपी कार्तिक एस ने बताया कि 4 जुलाई को झारखंड बिहार के सीमा चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाहा चेक पोस्ट से वाहन चोर गिरोह के पराजी से चौपारण की ओर आने की सूचना मिली थी। चौपारण पुलिस ने उसे चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक काले रंग के स्कॉर्पियो के चालक ने भागने का प्रयास किया, जिसे खदेड़कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही पर गिरोह के दूसरे दल के लोहावर के समीप सेंट्रो सहित पकड़ा गया। पूछताछ में बताया कि उनका गिरोह हजारीबाग, रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा आदि जिलों में महंगे वाहनों की चोरी कर बक्सर ले जाकर बेचा करता था। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बक्सर से एक काले रंग की स्कॉर्पियो नंबर JH12H2200 तथा मुफसिल हजारीबाग से चोरी हुए सफेद स्कॉर्पियो नंबर BR PF 2955 को बाराचट्टी से बरामद किया है। मेडिकल कॉलेजों व सदर अस्पतालों में उपलब्ध हो कोरोना मरीजों की दवा। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों तथा सदर अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश सभी सिविल सर्जनों को दिए हैं। आप सबको बता दूं कि औषधि निरीक्षकों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि रिम्स रांची सहित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका के अलावा चाईबासा, साहिबगंज, गिरिडीह, देवघर स्थित सदर अस्पतालों के स्टोर में कोरोना मरीजों को दी जाने वाले औषधियों की मात्रा शून्य दिखाई गई थी। निदेशक औषधि द्वारा इसकी जानकारी दिए जाने के बाद विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को कोरोना वायरस की सभी दवा की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। झारखंड में कोरोना जाँच की रफ्तार नहीं होगी कम, जिलों को भेजे गए 12 लाख किट। झारखंड में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी राज्य सरकार ने कोरोना जांच की रफ्तार बरकरार रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत अभी भी प्रतिदिन औसतन 45 से 50,000 सैंपल की जांच हो रही है। कोरोना जांच की गति बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 4 लाख किट तथा RT-PCR जाँच के लिए 7.6 RBTM किट विभिन्न जिलों को आवंटित किए हैं। आप सबको बता देना चाहता हूं कि विभिन्न जिलों में पॉजिटिविटी रेट के आधार पर जांच किट का आवंटन हुआ है। झारखंड के रांची में सिर्फ 17 फूड वैन को लाइसेंस, 233 गैर लाइसेंसी। राजधानी में इन दिनों गैर लाइसेंसी फूड वैन की बाढ़ आ गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रात 8:30 बजे तक बाजार खुलने की छूट मिलने के बाद फूड वैन का कारोबार भी शुरू हो गया है, मगर राजधानी के लगभग 250 फूड वैन में से महज 17 ने ही लाइसेंस लिए हैं। फूड वैन के 11 मालिकों ने लाइसेंस के लिए नगर निगम में आवेदन दिया है, मगर अभी उनके आवेदन पर लाइसेंस जारी नहीं हो पाया है। राजधानी में गैर लाइसेंसी फूड वैन की भरमार होने से नगर निगम को राजस्व की चपत लग रही है। अब नगर निगम जल्द ही गैर लाइसेंसी फूड वैन के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है। इसके लिए कवायद भी शुरू हो गया।
झारखंड आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए मान सम्मान, रविंद्रनाथ महतो ने कहा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि झारखंड में आंदोलनकारियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वह स्वयं आंदोलनकारी रहे हैं और जेल भी गए हैं, लेकिन प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं। ना थाने में रिकॉर्ड है और ना ही जेल में रिकॉर्ड है, इसलिए आंदोलनकारियों की समस्याओं से वे बेखूबी परिचित हैं। जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करने पर व्यापक स्तर पर विचार होना चाहिए और सभी झारखंड आंदोलनकारियों को समान रूप से मान सम्मान मिलना चाहिए। यह बातें उन्होंने कांके रोड स्थित उनके आवास में झारखंड आंदोलनकारियों संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता पुष्कर महतो व प्रेम शंकर साहू से झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, पहचान, नियोजन एवं पेंशन के सवाल को लेकर कही। उन्होंने कहा कि अलग राज्य की लड़ाई 18 जिलों को लेकर किया गया था, साथ ही पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर 26 जिलों का बृहद झारखंड अलग राज्य की लड़ाई पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के नेतृत्व में लड़ी गई थी। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। आयोग के गठन के बाद शेष बचे आवेदनों के चयनित के कार्यों का निष्पादन युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। सेवा इंटरनेशनल ने झारखंड के अस्पतालों को दिए 7 वेंटिलेटर, राष्ट्रीय संवर्धन समिति ने किया वितरण। सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय संस्था सेवा इंटरनेशनल ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अब तक झारखंड के 7 अस्पतालों को राष्ट्रीय संवर्धन समिति के माध्यम से एक एक वेंटिलेटर निःशुल्क दिए हैं। बुधवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के निवारणपुर स्थित प्रांत कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 5 वेंटिलेटर दिए गए। ये वेंटिलेटर मयंक मेणा अस्पताल जमशेदपुर, जीवन रेखा अस्पताल धनबाद, RP सेवा सदन गढ़वा, सुधीर अस्पताल देवघर और वंदना नर्सिंग होम हजारीबाग को दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।